लखनऊ सुपर जायंट का बल्लेबाजी बेहद निराशजनक रहा। राहुल कायल में निकलस पुरन ने बेहद निराश कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने तूफानी बल्लेबाज किया और इतिहास रच दिया। जोस बटलर ने इस आईपीएल का सबसे लंबा छक्का मारा और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी जोस बटलर और रविचंद्रन अश्विन को महान खिलाड़ी, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल करे तो लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। संजू सैमसन इस मैच में भी कप्तानी कर रहे हैं। लखनऊ ओपनर केएल राहुल और कायल मेयर्स क्रीज पर आए। राजस्थान की ओर से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट, दोनों ओपनर्स के लिए बोल्ट को खेलना बड़ी चुनौती होगी। धीमी शुरुआत की पहले ओवर मेडन रही और ट्रेंट बोल्ट ने एक भी रन नहीं दिया। बिना किसी नुकसान का जीरो रन पे जीरो विकेट था लखनऊ सुपर जायंट का। वहीं दूसरे ओवर में बात करें दोस्तों, लखनऊ धीमी शुरुआत की और चार ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी विकेट गवाए 18 रन है। फिलहाल कायल मेयर्स 13 गेंद में 9 रन और केएल राहुल 12 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखा है। 6 ओवर के बाद लखनऊ ने बिना कोई विकेट गवाए 37 रन बना लिया। फिलहाल केएल राहुल 19 गेंद में 19 रन और कायल मेयर्स 18 गेंद में 16 रन बनाकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के बल्लेबाज को राजस्थान के गेंदबाज खुलकर नहीं खेलने दिया है। 9वें ओवर में लखनऊ ने बिना विकेट गवाए 74 रन बना लिए। फिलहाल केएल राहुल 28 गेंद में 36 रन, कायल मेयर्स 27 गेंदों में 35 रन बना लिए हैं। आपको ये भी बताते दोस्तों कि केएल राहुल को 3 जीवनदान मिला, 2 कैचिंग के रूप में और 1 रनआउट के रूप में। लखनऊ की शुरुआत धीमी रही थी। 7 ओवर में लखनऊ ने बिना विकेट गवाए 43 रन बनाए थे। इसके बाद 8वें ओवर में 13 रन आए जबकि युजवेंद्र चहल के 9वें ओवर में 18 रन कूट दिए। इस ओवर में राहुल ने 103 मीटर लंबा छक्का भी जड़ा। 11वें ओवर में जेसन होल्डर ने केएल राहुल को जोस बटलर के हाथों कैच कराया। उन्होंने 32 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके 1 छक्का लगाया। लखनऊ को लगातार दूसरे ओवर में दूसरा झटका लगा। 11वें ओवर में केएल राहुल आउट हुए, उन्हें जेसन होल्डर ने आउट किया था। इसके बाद 12वें ओवर में आयुष बदोनी भी पवेलियन लौट गए। बदोनी 1 रन बना सके, उन्हें ट्रेंट बोल्ट ने क्लीन बोल्ड किया। फिलहाल कायल मेयर्स 39 रन, दीपक हुड्डा 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। लखनऊ को 14वें ओवर में 2 झटके लगे। रविचंद्रन अश्विन ने पहले दीपक हुड्डा को हेटमायर के हाथों कैच कराया। हुड्डा का आज जन्मदिन है और वह 2 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कायल मेयर्स 42 गेंद में 51 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। इससे पहले कायल मेयर्स ने आईपीएल 2023 का तीसरा अर्धशतक लगाया। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट पर 104 रन है। फिलहाल मार्कस स्टोनिस और निकोलस पुरन क्रीज पर है। आपको बता दें दोस्तों कि कायल मेयर्स लखनऊ की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है। 2023 आईपीएल सीजन 16 में कायल मेयर्स लखनऊ की ओर से सबसे बड़ा बल्लेबाज है और सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं। 18 ओवर के बाद लखनऊ ने 4 विकेट गवाकर 129 रन बना लिए। फिलहाल निकोलस पुरन 13 गेंद में 10 रन और मार्कस स्टोनिस 14 गेंद में 19 रन बनाकर क्रीज पर है। लखनऊ सुपर जायंट ने राजस्थान रॉयल के सामने 155 रन का मामूली लक्ष्य रखा है। लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट गवाकर 154 रन बनाए। केएल राहुल और कायल मेयर्स ने लखनऊ को धीमी शुरुआत दिलाई। 7 ओवर में दोनों 43 रन जोड़े थे। इसके बाद दोनों ने गियर बदला और अगले 2 ओवर में 31 रन बनाए। हालांकि इसी रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में कप्तान राहुल ने 11वें ओवर में जेसन होल्डर की गेंद पर जोस बटलर को कैच थमा बैठे। राहुल 32 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन की पारी के लिए। वहीं आयुष बदोनी 1 रन और बड्डे बॉय दीपक हुड्डा 2 रन बनाकर आउट हुए। कायल मेयर्स ने अपनी आईपीएल 2023 में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद आउट हो गए। 14वें ओवर में अश्विन ने दीपक हुड्डा और मेयर्स दोनों को आउट कर दिया। मेयर्स को अश्विन ने क्लीन बोल्ड किया। हुआ 42 गेंद में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाए, आउट हुए। मार्कस स्टोनिस 16 गेंद में 21 रन बनाए, आउट हुए। वहीं आखिरी ओवर में निकोलस पुरन, युधवीर सिंह 4 रन आउट हुए। पुरन ने 20 गेंद में 48 रन, युधवीर 1 रन बनाकर आउट हुए। कुणाल पांड्या 4 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान की ओर से अश्विन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। वहीं ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, जेसन होल्डर को 1-1 विकेट मिला जबकि अश्विन काफी कारगर साबित हुए। राजस्थान का बल्लेबाजी शुरू हुआ और ओपनिंग करने के लिए आए यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर क्रीज पर। लखनऊ के लिए पेसर नवीन उल हक ने पहले ओवर में गेंदबाजी की। उन्होंने 2 रन खर्च किए और बढ़िया शानदार ओवर किया। 5 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल ने बिना किसी विकेट गवाए 34 रन बना लिए हैं। फिलहाल जोस बटलर 17 गेंदों में 11 रन और यशस्वी जायसवाल 13 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी करे। 5 ओवर में युधवीर सिंह की गेंद पर जोस बटलर ने 112 मीटर लंबा छक्का जड़ा जिस गेंद स्टेडियम से बाहर जा गिरी। यह इस सीजन का दूसरा सबसे लंबा छक्का। इससे पहले आरसीबी के फाउडू प्लेसी ने 115 मीटर लंबा छक्का लगाया था। और आपको बता दें 6 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 47 रन है। यशस्वी जायसवाल 27 और जोस बटलर 15 रन बनाकर
क्रीज पर है। सात ओवर के बाद राजस्थान रॉयल ने बिना कोई विकेट गवाए 50 रन बना लिए हैं। फिलहाल जोस बटलर 21 गेंदों में 16 और यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों में 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले 5 ओवर में युद्धवीर सिंह की गेंद पर जोस बटलर ने 112 मीटर का लंबा छक्का जड़ा, गेंद स्टेडियम से बाहर जा गिरी। यह इस सीजन का दूसरा सबसे लंबा छक्का है। इससे पहले आरसीबी के फाफ डू प्लेसिस ने 150 मीटर लंबा छक्का मारा था। 10वें ओवर के बाद राजस्थान ने बिना कोई विकेट गवाए 73 रन बना लिए। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 29 गेंदों में 36 और जोस बटलर 32 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ गेंदबाज विकेट को तरस गए। लखनऊ ने अपने दोनों रिव्यू भी गवा दिए। राजस्थान रॉयल के 12वें ओवर में 87 के स्कोर पर पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल अशतक के चूक गए। उन्हें मार्कस स्टोइनिस ने अवेस खान के हाथों कैच आउट कराया। यशस्वी ने 35 गेंद में 44 रन की पारी खेली। 12 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट पर 89 रन है। फिलहाल उन्हें 48 गेंदों में 66 रन की जरूरत है। कप्तान सैमजू सैमसन के साथ और जोस बटलर क्रीज पर हैं। राजस्थान रॉयल 13वें ओवर में 2 विकेट गवाकर 95 रन बना लिया है। फिलहाल जोस बटलर 39 और देवदत्त पाटीकल क्रीज पर है। इससे पहले 10 गेंदों के अंदर राजस्थान ने 2 विकेट गवा दिए। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट हुए थे। उन्हें स्टोइनिस ने अवेस खान के हाथों कैच कराया था। यशस्वी 44 रन बनाकर इससे उसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन रन आउट हो गए। 2 रन बना सके। राजस्थान को अब 42 गेंद में 60 रनों की जरूरत है। 14वें ओवर में 97 के स्कोर पर राजस्थान को तीसरा झटका लगा। मार्कस स्टोइनिस ने जोस बटलर को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराया। बटलर 41 गेंदों में 40 रन बना सके। इससे चौकी और एक छक्का शामिल है। इससे पहले यशस्वी जायसवाल 44 और संजू सैमसन 2 भी पवेलियन लौट चुके हैं। फिलहाल देवदत्त पाटीकल और सिमरन हेटमायर क्रीज पर है। राजस्थान को अब 36 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है। राजस्थान को 16वें ओवर के चौथा झटका लगा। सिमरन हेटमायर भी 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अवेश खान को केएल राहुल के हाथों कैच कराया। फिलहाल रियान पराग और देवदत्त पाटीकल क्रीज पर है। राजस्थान को 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। आईपीएल 2023 के 26वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट ने कम स्कोर के बावजूद राजस्थान रॉयल को 10 रन से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट गवाकर 154 रन बनाए थे। काइल मेयर्स 42 गेंदों में 51 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा कप्तान केएल 39 रन बनाए थे। जवाब में वक्त राजस्थान की टीम 1 विकेट गवाकर 87 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम 20 ओवर में 6 विकेट गवाकर 144 रन ही बना सकी। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वहीं जोस बटलर 40 की पारी खेली। अवेश खान ने आखिरी ओवर में 2 विकेट झटके। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पाटीकल और चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल का विकेट लिया। आखिरी गेंद पर अश्विन का कैच छूट गया वरना वो 3 विकेट ले लेते और इसके साथ ही हैट्रिक पूरा कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके साथ ही लखनऊ सुपर जायंट शानदार मैच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला में जीत हासिल किया 10 रनों से। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल। बाय।